सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना। हेलो दोस्तों, क्या आपको घुटनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है? फिर आपके हाथ के पंजों में, पैर के पंजों में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में आपको आए दिन भयंकर दर्द का सामना करना पड़ता है और इस दर्द को आप ख़त्म करने के लिए या कुछ देर के छिपाने के लिए आप एलोपैथिक पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अब आज से एलोपैथिक पेन किलर आप खाना बंद कर दें, जो कि आपके दर्द को कुछ समय के लिए ठीक करता है लेकिन आपको ढेर सारा साइड इफ़ेक्ट भी देकर जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन घुटनों के दर्द, कमर दर्द, पंजों का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, गर्दन का दर्द की समस्या को ठीक करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल के बारे में बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि आपको इन तरह की समस्या क्यों देखने को मिलती है। तो उसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखें, साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ज़्यादातर घुटनों का दर्द, पैर के पंजों का दर्द, कमर दर्द आपको कब देखने को मिलता है? आपकी एज ज़्यादा ज़्यादा जो है 40 साल, 50 साल या 70 साल की हो गई है, उन कंडीशन में ही आपको इन तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। या फिर आप यंग हैं लेकिन आप ऐसे डाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे खान पान का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे आपके बॉडी में विटामिन D3 या कैल्शियम ज़्यादा आपके बॉडी में एब्जर्व हो पाए, तो उन तरह के नौजवानों में भी इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है जो समस्या 60 साल 70 साल के बुज़ुर्गों में होता है। तो एक प्रोडक्ट है मेरे पास जिसका नाम है ED3, जो कि है कोली कैल्सिफ्रॉल 60,000 IU देखने को मिलता है, जो कि सॉफ्ट ग्लिटेन कैप्सूल देखने को मिलता है। और दोस्तों, मैं बता दूं, आपके घुटनों का दर्द, कमर दर्द, पैर के पंजों का दर्द, पैर में अंगरन होना, पैर में ऐंठन होना, हाथ पैरों में टांस लगना, ये सारी समस्याएं आपके बॉडी में कब देखने को मिलती है? जब आपके बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो जाती है। दोस्तों, विटामिन D3 की कमी होगी तो आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी भी देखने को मिल सकती है और इन तरह की समस्याएं, तो दर्द की समस्याएं देखने को तो मिलती ही हैं, साथ ही विटामिन D3 की कमी की वजह से आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता वो भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। आप आए दिन बीमार पड़ते हैं, आए दिन आपको एलोपैथिक ड्रग का सहारा लेना पड़ता है, आपको बहुत ही थकान, आलस, चक्कर आना, अच्छी तरह से नींद ना लगना, तनाव बहुत ज़्यादा आना, किसी बात को लेकर डिप्रेशन में चले जाना, घबराने लगना, तो इन तरह की समस्याएं होती हैं अगर आपके बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट जो है ED3 एक बेस्ट विटामिन D3 कैप्सूल है जो कि आपको एक स्ट्रिप में 4 कैप्सूल देखने को मिलता है, जिसकी प्राइस की बात करें तो करीब ये आपको जो है एक पत्ता जो है 150 के लगभग या 100 रुपये के लगभग मिलता है। और इसे आपको जो है एक कैप्सूल में कोली कैल्सिफ्रॉल 60,000 IU यानी कि 60,000 इसमें विटामिन D3 देखने को मिलता है एक कैप्सूल में, और बहुत ही अच्छा ये कैप्सूल है। अगर आप इस कैप्सूल को 1 से 2 महीना कंटिन्यू इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके घुटनों का दर्द, हाथ पैरों का दर्द, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, गर्दन का दर्द, ये सारी दर्द आपके छूमंतर हो जाते हैं अगर आपके बॉडी में विटामिन D3 की कमी की वजह से दर्द होता है। इस कैप्सूल को 18 साल से ऊपर के लोग ले सकते हैं। लेना कैसे है? इसे एक कैप्सूल वीकली यानी कि सप्ताह में एक कैप्सूल लेना होता है दूध या पानी से खाना खाने के बाद। आप 1 महीने में 4 कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इसमें एक पैक में 4 कैप्सूल देखने को मिलता है, यानी कि एक पैक ले लेते हैं तो पूरे 1 महीने की दवा हो जाती है। और ये नहीं कि आपको रोज़ाना एक एक टेबलेट लेते रहना है, कई बार रोज़ाना टेबलेट लेने की वजह से लोग बोर हो जाते हैं और दवा खाना बंद कर देते हैं, लेकिन इसे महीने में 4 बार लेना है यानी कि वीकली, सप्ताह में 1 बार लेंगे तो महीने में 4 ले लेंगे तो 1 महीने का कोर्स पूरा हो जाएगा।
और बहुत ही अच्छा काम करता है जिन लोगों को काफ़ी कमजोरी दर्द का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ये कैप्सूल विटामिन D3 जब आपके बॉडी में ज़्यादा अच्छी मात्रा में होने लगती है तो आपके बॉडी में कैल्शियम की समस्या भी दूर होने लगती है, यानी कि अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो वो भी तेज़ी से पूरा होने लगता है। तो बस एक कैप्सूल लें रोज़ाना और शरीर को फिट और हेल्दी बना लें।